तो so, नेक्स्ट जो रूल है ये अपने को मालूम है ऑलरेडी बेसिकली इसको अपन बोलते हैं लोएस्ट लोकंट रूल ये बोलता है कि जैसे इफ़ वी गो फ्रॉम नंबरिंग करते हैं अगर मान लो लेफ्ट से या राइट right से सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे अपना प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कर लेंगे सो दैट इज़ आवर प्रिंसिपल चेन ठीक है ना ये अपना प्रिंसिपल चेन हो गया अब उसमें अपन नंबरिंग करते हैं सो दै वी हैव टू ऑप्शंस ऑफ नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट और राइट ठीक है so, right. ना तो सबसे पहला ब्रांच जहाँ पे आता है उस साइड से अपन पहले नंबरिंग करते हैं ओके okay? लेकिन अगर जैसे ये एग्जांपल में देखो कि ये जो ब्रांच है ये सेम पोजीशन पे आ रहा है तो ये एग्जांपल रिमेंबर लास्ट इसमें मैंने तुमको ऑलरेडी दिया था ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है सो so, दोनों सब्सटीट्यूंट सेम पोजीशन पे आ रहा है सो इफ़ यू फॉलो दिस रेड नंबरिंग रेड नंबरिंग इज गोइंग ऑन ऑन दिस साइड ओके और पिंक नंबरिंग लेट्स से एंड द ग्रीन नंबरिंग इज गोइंग फ्राम राइट टू लेफ्ट ठीक है न सो ये सेकेंड पोजिशन पर आ रहा है और यहाँ पे ये भी सेकेंड पोजिशन पर आ रहा है ओके सो से ये जो सब्सटीट्यूंट है दैट इज ऐट द सेम पोजिशन और राइट तो अगर सेम पोजिशन पर आ रहा है तो ये टाई हो गया बेसिकली देन वी गो टू द नेक्स्ट सब्सटिट्यूंट विच इज़ दिस तो ये सब्सटिट्यूंट यहाँ पर अभी ग्रीन नंबरिंग पे तीन पे आ रहा है और रेड नंबरिंग पे फाइव पर आ रहा है तो हम लोग क्या प्रिफर करेंगे ग्रीन नंबरिंग सो करेक्ट नंबरिंग कौन सी रहेगी इसमें ये ग्रीन वाली ओके सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट नंबरिंग सो वी डू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन और फिर इसके हिसाब से इसको नाम देंगे अपन अब यहाँ पे देखो सबसे पहला जो काम करना है वो अपने को कि यहाँ पे प्रीफिक्स कौन सा है सब्सटीट्यूंट कौन सा है तो यहाँ पे प्रिफिक्सेस है मिथिल ग्रुप ध्यान से देखो सो so मिथिल है दैट इज़ द substitute. लेकिन कितने हैं तीन हैं तो ट्राई मिथिल करना पड़ेगा रिम्बर या जस्ट पहले वाले स्लाइड पे अपन ने देखा था कि एक से ज़्यादा अगर मल्टीपल आते हैं तो उसको डाई ट्राई टेट्रा इससे अपन ये करते तो ट्राई मिथिल और अब इनका पोजिशंस कौन सा है टू थ्री एंड सिक्स टू सिक्स टू थ्री सिक्स ट्राई मिथिल ये हो गया तुम्हारा प्रीफिक्स ठीक है अब जो है बाकी का उसका बेसिकली योर प्रिंसिपल नेम और प्रिंसिपल चेन और उसका नाम सो ये हो जाएगा टू थ्री सिक्स ट्राइमिथिल सात कार्बन आ रहे प्रिंसिपल चेन में इसलिए ये हो जाएगा हेप्टेन। अंडरस्टूड है कि ये ओल्ड सिस्टम में वी एक्चुअली यूज टू डू टोटल ओके तो इन मेनी केसेस टोटल और जो अपन यूज़ कर रहे ओके कंपैरिजन बिटवीन द सब्सटीट्यूट वो सेम ही आता था बेसिकली सेम साइड में वो फेवर होता था लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि देन द दे ऐसा हो रहा था कि टोटल लो आ रही लेकिन पहला सब्सटिट्यूंट उस पोजीशन पे नहीं आ रहा है ओके दैट बिकेम द प्रॉब्लम मतलब दो दो सिस्टम हो गए फिर एक तो तुम ये यूज करो कि सब्सटिट्यूंट देखो कौन से इस पर आ रहे हैं ओके सो यहाँ पे तो सेम सब पोजिशन पर आ रहा है इसलिए ये पोजिशन जहाँ पर नज़दीक आ रहा है वो कर रहे हैं अपन ठीक है सो so, उसको ये हो रहा है तो ये अपन ग्रीन नंबरिंग उस हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं और यू कैन डू टोटल ऑफ दिस ओके नाइन प्लस टू अलेवन हो रहा है और इधर नाइन प्लस सॉरी नाइन प्लस टू यहाँ पे अलेवन प्लस टू थर्टीन हो रहा है ठीक है ना so, सो अब देखो देखो ग्रीन वाला जो है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी द लोअर टोटल है ना ग्रीन इज लोअर टोटल तो इसीलिए ग्रीन लेकिन कभी कभी हो जाता था कि टोटल करते तो ज़्यादा हो जाता था एंड दैट बिकम्स फिर फिर क्या हो रहा है दो सिस्टम इन प्लेस है तो ये जो टोटल वाली जो सिस्टम है ये डिस्कार्ड कर दीजिए ये अपन यूज़ ही नहीं करते हम सीधा सीधा देखते हैं पोजिशन क्या है देखो पहला पोजिशन दो दो सेम आ रहा है अब सेकेंड पोजिशन आ रहा है तीन और पाँच तो तीन वाला अपन फेवर करेंगे इट डजेंट मैटर फिर सिक्स वाला फिर थर्ड वाला पोजिशन कहाँ पर इट डजनट रियली मैटर सिर्फ सेकंड वाले पोजीशन में अपन जो पहले आ रहा है वो वाला अपन फेवर करते हैं यहाँ पे देखो अनदर एग्जांपल ओके अगर अलग अलग नंबर आ रहे हैं लोकंड्स को देखियो ये साइड से अलग आ रहा है और ये साइड से अलग आ रहा है सो ऑब्वियसली ये वाला साइड अपन फेवर करेंगे ये वाला नहीं करेंगे इजेंट इट दिस साइड विल बी फेवर्ड क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सब्सटीट्यूंट आ रहा है और इस साइड से अगर जाते हैं लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं अपन तो ये थर्ड वाले पोजिशन पे सब्सटीट्यूट आ रहा है इट? सो देन चूजिंग द थर्ड विल चूज सेकंड वन तो इस हिसाब से फिर दैट ब्लू नंबरिंग जो दी है दैट इज द करेक्ट वन ओके और फिर इसको नाम दे देंगे अपना देखो टू सेवन और एट टू सेवन एट तीन मिथिल है इसलिए ट्राई मिथू और दस कार्बन है प्रिंसिपल चेन में इसलिए डेकेन ठीक है सेम एग्जाम्पल ओके गिव यू अ डिफरेंट पॉइंट कि अगर ये ये सिचुएशन अपन ने पहले भी देखा था कि आ, ये तो यू नो कंटेंशियस सिचुएशन है ही नहीं क्योंकि ऑब्वियसली यू जस्ट हैव टू फॉलो द लोएस्ट लोकंड रूल समझ में आया ना तो हम क्या देख रहे हैं लोएस्ट लोकंट low देख रहे हैं तो ईजीलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन लोएस्ट लोकंट रूल लोकंट बोले तो ये सब्सटिट्यूंट्स दीज आर द लोकंट्स इनकी लोकेशन कौन से पोजिशन पे है वो लोअर वाली जो आएगी वही हमको लेना है ठीक है साइज का कोई भी मतलब नहीं है आई कैन एड लार्ज पोर्शन ही यहाँ पे इट डजेंट मैटर आई कैन आई कैन ऐड अ वेरी लार्ज पोर्शन यहाँ पे डजेंट रियली मैटर प्रिंसिपल चेन पे जो भी पहले आएगा जो लोकंट पहले आएगा उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए समझ में आया ना बहुत अच्छा सिस्टम है ना रिजेंटेड जो भी पहले आएगा उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए मतलब ये बीच में जैसे इंडिया में घुसते हैं ना बीच में लाइन में वैसा नहीं है ये ठीक है जो पहले आया उसको पहला नंबर अमेरिकन सिस्टम के टाइप का है right, ये स्पेसिकली अरे जस्ट टू गेट अ रिव्यू क्वेश्चन इन द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट नंबर ऑफ द कार्बन कैरिंग द शेडेड ग्रुप ये शेडेड ग्रुप का करेक्ट नंबर कौन सा है बताओ सो so, यहाँ पे देखो वॉट इज द रूल पहला रूल क्या है टू सिलेक्ट द प्रिंसिपल चेन तो ये अपना प्रिंसिपल चेन है ओके आदर यू कैन सिलेक्ट दैट और यू कैन सिलेक्ट दिस वन वॉट एवर राइट सो ये सिलेक्ट कर रहे हैं अपन दैट इज द प्रिंसिपल चेन एंड देन यू डू द नंबरिंग नंबरिंग फिर इस हिसाब से देना है कि जो मतलब वी जस्ट हैव टू गिव द करेक्ट नंबरिंग ऐसा इसमें लोएस्ट लोकट रूल अपन फॉलो करना है बेसिकली सो लोएस्ट लोकट रूल के हिसाब से ये कार्बन ये जो मिथिल ग्रुप है इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए क्योंकि ये पहला लोकंट है ये पहला सब्सटीट्यूंट है ठीक है ना सो so, इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए इसलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है इसका रूट हो जाएगा ऑक्ट ये प्रिंसिपल चेन है रूल का ये है ऑक्ट और अब ऑल यू डू इज़ टू एट द पोजिशन तो ये सेकेंड पोजिशन पे है ये फोर्थ पोजिशन पे है और ये फिफ्थ पोजिशन पे है दैट्स इट एट इट तो यहाँ पे अभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी फोर ओके हमको वो पोजिशन पूछा है ना तो उसका पोजिशन हो जाएगा फोर राइट सो दैट इज द करेक्ट नंबरिंग ऑल्सो और ये करेक्ट नंबरिंग रहने की वजह से इसका पोजिशन ये ग्रुप का पोजिशन इथिल ग्रुप का पोजिशन फोर हो जाएगा ठीक है चलो इसको नाम भी दे देते हैं लगे हाथ ठीक है रूट तो अपने को पता चल गया है प्रिंसिपल चेन है ऑक्टेन का ठीक है यहाँ पे दो मिथिल ग्रुप है और एक इथिल ग्रुप है ओके okay? तो यहां पे अपन इसको देंगे टू फाइव और ये था फोर इज तो ये बोलेंगे टू फाइव डायमे और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन फोर इथिल ओके okay? अब इनको अल्फाबेटिकली लगाना है, ये सब्सटीट्यूएंट हो गए अपने और इनको अल्फ़ाबेटिकली तो पहले आएगा फोर इथिल इजेंट इट तो फोर इथिल पहले और उसके बाद उसके बाद आएगा ये लगा दिया इधर ओके okay. और अब तुमको क्या लिखना है सीधा सीधा अब इसके बाद डायमिथिल प्रिंसिपल चेन क्या था अपना ऑक्टेन ये हो गया इसका नाम क्लियर है क्या नेक्स्ट फॉर हाइड्रोप कार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड ठीक है ना अब ये अगर आ गया अभी आ गया फंक्शनैलिटी की तरफ अपन ठीक है दिज आर स्टिल हाइड्रोकार्बन्स लेकिन अभी आ गया डबल और ट्रिपल बॉन्ड अपने प्रिंसिपल चेन में मतलब कंपाउंड में देर इज अ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड सो वी हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इन द कम्पाउंड तो अपना जो प्रिंसिपल चेन है जो भी अपन सेलेक्ट करेंगे उसमें ये कार्बन्स जो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वो आने ही चाहिए समझ में आया क्या क्योंकि ये हो गया अभी फंक्शनल ग्रुप समझ में आया ना फंक्शनल ग्रुप को तुम इग्नोर नहीं कर सकते तो तुम्हारा जो भी प्रिंसिपल चेन रहेगा उसमें ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने ही चाहिए ठीक है ना इस केस में अगर तुम ये भी होता है कि मान लो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिलेक्ट करते समय लॉन्गेस्ट जो चेन है वो नहीं मिल रही है तो भी चलेगा ओके लेकिन बिना डबल और ट्रिपल बाउंड के तुम चेन सिलेक्ट नहीं कर सकते और डबल और ट्रिपल बाउंड को तुमको लोएस्ट नंबर भी देना है समझ में आया क्या ओके डबल और ट्रिपल बाउंड को तुमको लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा तो यहाँ पे ये कंपाउंड देखो डबल बाउंड सो अपने को कार इसका जो नंबरिंग है वो लेफ्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा सो विट टू वन टू थ्री फोर एंड फाइव दैट इज द करेक्ट नंबरिंग समझ में आए अब इसमें जो लगाते हैं अपन इन लगाते बराबर है इसका जो होता है इन लगाते हैं सो so, देखो यहाँ पे नाम आएगा वन पेंट इन या पेंट वन इन अल्टरनेट नाम है ओके okay? अल्टरनेटिव नाम है बेसिकली अदर वन पेंटिन और पेंट वन इन ये कैसे लिखते हैं अपन आगे देखेंगे so, ये अपन सिर्फ नंबरिंग देख रहे अभी फिलहाल सो दैट इज़ द करेक्ट नंबरिंग ठीक है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को पहला नंबर लोएस्ट नंबर आना चाहिए अभी ठीक है अब अपन मिथिल अल्किल अगर ऐसे ग्रुप है उनको लो नंबर नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर क्या आ गया अभी मतलब प्रिफ्रेंस किसको दे रहा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ठीक है अगर चॉइस करना रहा सो यू विल ऑलवेज सिलेक्ट डबल और ट्रिपल बॉन्ड ओवर एनी अल्किल ग्रुप डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लो नंबर अब ये ग्रुप में तो कहीं से भी दे दो दोनों साइड से सेम आ रहा है हम देख रहे हैं ये दो कार्बन है ना इधर से जाता है तो ये तीसरे नंबर पर आ रहा है इधर से जा रहे हैं तो ये तीसरे नंबर पर आ रहा है इट डजेंट मैटर कौन से भी साइड से तुम दे दो वन टू एंड थ्री फोर फाइव सिक्स ये करेक्ट नंबरिंग है ठीक है ट्रिपल बाउंड के लिए अपन लगाते हैं आइन ठीक है डबल बाउंड के लगाते इन ट्रिपल बाउंड के लिए लगाते हैं आइन ये इंडिकेट करता है ट्रिपल बाउंड कर के यहाँ पे इस कंपाउंड में वी हैव टू टू पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली द सबसे ऑब्वियस पॉसिबिलिटी क्या है लेफ्ट टू राइट प्रजेंट दैट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस पॉसिबिलिटी क्योंकि दैट इज गिवज यूर लोएस नंबर टू द डबल बॉन्ड इधर से जाते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव ये आ रहा है और अगर मैं इधर से जाता हूँ वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जो आ रहा है ब्लू नंबरिंग में दैट इज ऑन थर्ड कार्बन और ग्रीन नंबरिंग में इट इज ऑन सेकेंड कार्बन तो करेक्ट नंबरिंग कौन सा रहेगा ग्रीन वाला नेक्स्ट यहाँ पे अगेन देर इज़ नो एम्बिग्यूटी किसी भी साइड से दो एब्सिल्यूटली मेक नो डिफरेंस वन टू थ्री फोर ठीक है और यहाँ पे अगेन लोएस्ट नंबर जो है वो डबल बॉन्ड को आना चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन ओके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये चूज करना है अपने को ठीक है अब देखो यहाँ पे मैंने काफ़ी कंपाउंड्स के नाम दे दिए हैं वो इसलिए कि जब तुम पढ़ोगे इसको या रिवाइज़ करोगे तो तुमको नाम पता चलेंगे नाम कैसे दिए हैं कंपाउंड्स के इसलिए ज़रूरी नहीं है मेरे को क्योंकि मेरे को सिर्फ अभी नंबरिंग दिखाना था इट तो नाम देना ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं था नाम जानबूझ के दिए हैं ताकि जब तुम सब्सिक्वेंटली इसको पढ़ते हो ठीक है ना अपन अपना, अपना काफ़ी पोर्शन हो गया है तुमको मालूम है अभी एग्जांपल्स हो गए अभी काफ़ी कंपाउंड के नाम देना तुमको आता है तो जब तुम इनको पढ़ते हो तो तुमको ये सारे एग्जांपल्स भी मिल जाते हैं कवर करने के लिए ठीक है सो कवर जो है अपना कवरेज जो है जो होता वाइड कवरेज हो जाता है दैट्स वाई आई हैव गिवन नेम फॉर प्रिटी मच एवरी सिंगल कंपाउंड जो अपन ने देखे अभी तक देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रिंसिपल चेन इवन इफ द लॉन्गेस्ट चेन इज इग्नोर्ड समझ में आया ना दो अभी तक अपन ने देखा था कि लॉन्गेस्ट चेन ही सिलेक्ट करना है उसी को अपन प्रिंसिपल चेन बोलते थे ओके लेकिन यहाँ पे अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो अपने को उसको लेके जो लॉन्गेस्ट चेन बनती है वो देखना है समझ में आया क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड को लेके जो भी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो अपना रहेगा प्रिंसिपल चेन समझ में आया ना सो यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल सी एस थ्री सी एच टू सी एस टू सी डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच टू सी एस थ्री ओके okay? अब लॉन्गेस्ट चेन तो ये बनती है रेड में जो दिखाई है छ कार्बन की है राइट right? और हम गलती ये भी करेंगे फिर कि डबल बॉन्ड को विल गिव अ प्रायोरिटी तो इस हिसाब से अपन नंबरिंग देंगे एंड वी वुड थिंक ओके दिस इज़ राइट ओके बराबर है ये लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट हो गई डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर भी मिल गया तीन पे आ रहा है इधर से चार पे आएगा है ना सो दैट इज द करेक्ट नंबरिंग लेकिन दिस इज एक्चुअली इनकरेक्ट ये इनकरेक्ट है क्यों क्योंकि ये रूल क्या बोल रहा है डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नंबरिंग ठीक है ना नंबरिंग में इंक्लूड करना है सो करेक्ट इज गोइंग टू बी ग्रीन वन यहाँ पे देखो सिर्फ पांच कार्बन की चेन बन रही है डबल बॉन्ड इंक्लूड करना ही है अपने को ठीक है तो डबल बॉन्ड से अपन नंबरिंग शुरू करेंगे टू गिव इट अ लोअर नंबर है ना लोएस्ट नंबर को अपने इस अपने को डबल बॉन्ड को देने का है इसलिए यही से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव और ये हो गया तुम्हारा सब्सटीट्यूंट ठीक है तो ये कंपाउंड का प्रॉपर नाम जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी टू इथिल पेंट वन इन ठीक है टू इथिल ये सेकंड कार्बन पे देखो इथिल ग्रुप आ रहा है इसलिए टू इथिल पेंट पेंटीन हो गया ये क्लियर है क्या ओके अब यहाँ पे देखो नाम देखो किस तरह से लिख रहे हैं इसका अपन ओके टू इथ ये अपना पहला प्रीफिक्स हो गया उसके बाद इसका जो रूट है पांच कार्बन का रूट रहेगा पेंट ओके उसके बाद इन जो होता है दैट इज फॉर द डबल बॉन्ड ये इसका सफिक्स होता है ओके दिस इज द प्राइमरी सफिक्स फॉर इन ठीक है इन के मतलब डबल बॉन्ड के लिए अपन इन लगाते हैं और ये कौन से कार्बन पे है पहले कार्बन पे मतलब पहले कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है दूसरे कार्बन पे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड पहले से दूसरे तक ही होता है है ना दो ही ट्रिपल बॉन्ड का भी वही है ना दो ही कार्बन के बीच में होता है तो अपना जो स्टार्टिंग कार्बन है वही अपने को लिखना पड़ता है ठीक है अब इसमें सबसे पहले बताओ कि प्रिंसिपल चेन कौन सी है वो बताओ ओके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है अपने को स्टार्टिंग द, डबल बॉन्ड इंक्लूड होना ही चाहिए तो ये अपना हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ओके okay, और इसमें कितने कार्बन आ रहा है अभी एट कार्बन आते हैं तो so, ये हो जाएगा ऑक्ट या yeah? इसको नंबरिंग दे देंगे अपन नंबरिंग देखो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ओके okay, अगर यहाँ से जाते है तो one, two, three, हैं तो वन टू थ्री इसको लोअर नंबर मिल सकता है दैट्स फाइन ठीक है या फिर यहाँ से जाते हैं तो इथिल को सेकंड पे आता है बट यू नो डबल बॉन्ड इज़ हीरो सो इसी को लोअर नंबर सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके दैट इज़ द वन और फिर यहाँ पे दो मिथिल आ रहा है सिक्स और फोर के ऊपर देखो अगर तुमने आ, ये सिलेक्ट किया होता लॉन्गेस्ट चेन uh, तो इथिल और मिथिल आते प्रिंसिपल सब्सटीट्यूएंट uh, uh, लेकिन दैट वुड बी इनकरेक्ट क्योंकि दो सब्सटीट्यूएंट है इस लॉन्गेस्ट चेन पे दैट इज मिथिल ओके डाए मिथिल सो ये हो जाएगा फोर सिक्स डाय मिथिल ठीक है अब देखो रूट लगाना है रूट क्या है ऑक्ट आठ कार्बन रहने की वजह से उसके बाद आ रहा है डबल वॉन्ड डबल वॉन्ड कौन से कार्बन से स्टार्ट हो रहा है टू ठीक है और इसका सफिक्स क्या होता है इन सो ये हो गया इसका नाम ओके सो इस तरह से अपन इसको नाम देते हैं बेसिकली तो ये रूल थोड़ा सा ध्यान से सुनो अच्छे से समझ लो ठीक है डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये नंबरिंग में आना ही चाहिए अपना जो प्रिंसिपल चेन है उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड होने ही चाहिए अब ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग है ये एग्जांपल देख लो ठीक है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इधर है और डबल बॉन्ड इधर है ठीक है अगर मैं नंबरिंग करता हूँ यहाँ से लेफ्ट से वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है ब्रांचेस तो है ही नहीं सो विच नंबरिंग शुड आई बी फॉलोड आंसर मत करो इसको विच नंबरिंग शुड आई फॉलो दैट इज़ द क्वेश्चन इज इन डेड तो यहाँ पे फॉलो करना है रूल्स देखना है अपने को रूल के हिसाब से ये है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड इनमें से जो भी पहले आएगा वो नंबरिंग फॉलो करना है अपने को मतलब कौन सी नंबरिंग होगी ब्लू वाली ओके दैट इज़ द करेक्ट नंबरिंग ध्यान में रखना क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले पे आ रहा है और इधर से अगर जाता हूं मैं तो डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है ओके okay? तो पहले ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है लोअर नंबर जिसको मिलेगा वो नंबरिंग फॉलो करना है देर इज़ नो प्रिफ्रेंस कि डबल बॉन्ड बड़ा है या ट्रिपल बॉन्ड बड़ा है दोनों को ऑलमोस्ट सेम प्रायोरिटी दी है मतलब जो पहले आएगा उस हिसाब से अपन नंबरिंग देंगे ओके okay? सो so ये अपनी नंबरिंग हो गई ठीक है इसमें अभी कोई सब्सिट्यूट नहीं है मतलब कोई प्रीफिक्स नहीं है पांच कार्बन है रूट रहेगा पेंट ओके okay? तीन के ऊपर डबल बॉन्ड है राइट right? तीन ये देखो तीन से डबल बॉन्ड है और चार पे ट्रिपल सॉरी एक पे ट्रिपल बॉन्ड है और राइट अब यहाँ पे देखो जो लिख रहे अपन अल्फ़ाबेटी के लिए लिख रहे हैं ओके okay? मैं इसको थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करके बताता हूँ तुमको लेट्स कवर दैट सो पेंट ये तो अपना रूट हो गया ठीक है सेकेंड चीज़ बचती है नहीं कि वी हैव सफिक्सेस दो है यहाँ पे एक तो तीन पे तीन पे इन है ओके okay? तीन पे इन है और uh, इसको ऐसे लिखते अपन क्यों लिखते हैं अब बाद में बताऊँगा बेसिकली और ट्रिप यहाँ पे uh, ट्रिपल बॉन्ड वन पे है ठीक है ना? एक पे ट्रिपल बॉन्ड है अब ये दो मेरे को लगाने हैं है ना ये नाम के साथ में तो अल्फाबेटिकली ठीक है तो पहले क्या आएगा फिर थ्री इन ओके एंड वन आई क्लियर है क्या से ये अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं अपन और कुछ नहीं ये रूल ध्यान में रखना जो भी पहले आएगा डबल और ट्रिपल में से वो जीतेगा बेसिकली अब मान लो इस तरह का सिचुएशन है जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं फ्रॉम आइदर साइड ठीक है ना दोनों साइड से सेम पोजिशन पे आ रहे हैं तो अब क्या करें ठीक है अब अपन अल्फाबेटिकली जाते हैं रिमेंबर इसके पहले वाले जो रूल्स थे उसमें क्या बोला था अपन ने अगर दो अल्किल सब्स्टिट्यून सेम पोजीशन पे आते हैं दोनों साइड से तो अपन अल्फाबेटिकली जो भी पहले आता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। मतलब इथिल को प्रेफरेंस दिया था ओवर मिथिल ओके अगर मान लो प्रोपिल प्रॉपिल है तो सबसे आखिरी में आएगा प्रोपिल को लोएस्ट रहेगा क्योंकि इथिल फिर उसके बाद मिथिल और उसके बाद फिर प्रॉपल है ना इस तरह से अपन प्रेफरेंस दे रहे अल्फ़ाबेटिकली लगा रहे हैं so, सो ये जो है यहाँ पे भी अपन अल्फाबेटिकली ही लगाते हैं बेसिकली ठीक है सो व्हेन दे आर इन द सेम पोजीशन फ्रॉम आइदर साइड ठीक है तो अपन प्रेफरेंस किसको देते हैं डबल बॉन्ड को क्योंकि डबल बॉन्ड में इन लगा रहे हैं अपन इन इज़ अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट तो यहाँ पे एक दो तीन चार ये करेक्ट नंबरिंग रहेगा टू गिव डबल बॉन्ड अ प्रिफ्रेंस इसलिए वन इन थ्री आइन समझ में आया ना और ये रूट इसका ब्यूट है ओके okay? इसका एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं तुमको इसके प्रिंसिपल uh, चेन में कितने कार्बन हैं मतलब इसका रूट क्या है फटाफट बताओ सो दैट इज़ द प्रिसिपल चेन और नंबरिंग देखो uh, अपने को इधर से देना पड़ेगा या इधर से देखेंगे आगे बट uh, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ कार्बन है मतलब रूट हो गया ऑक्ट ठीक तो so, इसका रूट क्या है आउट अब रही बात नंबरिंग की नंबरिंग कौन से डायरेक्शन में दे लेफ्ट टू तो राइट या राइट टू तो लेफ्ट कौन सी डायरेक्शन अपन ने प्रफर करनी चाहिए तो देखो पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो आ रहा है दैट इज ऑन सेकंड कार्बन यहां पे भी डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन मतलब दोनों साइड से यार तो ये टाई होता है तो क्या हम इसको प्रिफरेंस देंगे नहीं रूल बोलता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजिशन पे है तो डबल बॉन्ड को प्रिफ्रेंस दो क्योंकि डबल बॉन्ड अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है ओके सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दैट इज द करेक्ट नंबरिंग सिस्टम ओके तो इस डायरेक्शन में अपन नंबरिंग दे रहे हैं और अब इसको नाम दे देंगे सो यहाँ पे सबसे पहले प्रीफिक्सेस लगाने दो मिथिल ग्रुप है कौन से पोजीशन पे फाइव तो आपने को लिखना है देखो दो बार लिखना पड़ेगा फाइव क्योंकि दो सब्सटीट्यूंट है इसलिए फाइव फाइव दो मिथिल है इसलिए डाय ओके इसका रूट आता है ऑक्ट ठीक है उसके बाद अल्फाबेटिकली लिखना है अपने को इन और आइन इन कौन से पोजीशन पे है टू और आइन कौन से पोजीशन पे है छः सो दैट इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड अंडरस्टूड है क्या राइट ही इज अ रिव्यू क्वेश्चन इन द फॉलोइंग कंपाउंड द करेक्ट नंबर ऑफ द डबल एंड अ ट्रिपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल बॉन्ड का करेक्ट नंबर क्या है वो बताओ और राइट सो बेसिकली इसको तुमको नंबरिंग देना है ओके okay? नंबरिंग में जो भी पहले आ रहा है उसके हिसाब से उसको नंबर देना है ना सो दिस इज गोइंग टू बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पोजीशन पे मैं इस साइड से देता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा थर्ड पोजीशन पे इज इट सो मेरे को ऑब्बियसली प्रिफ्रेंस किसको देना है फिर ट्रिपल बॉन्ड को या दैट इज़ द करेक्ट नंबरिंग और इसके वजह से डबल बॉन्ड का नंबर आएगा फोर ओके okay? क्योंकि अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना इसलिए डबल बॉन्ड का नंबर आएगा फोर और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर आएगा तीन जहां से स्टार्ट हो रही है वही बॉन्ड अपने को बताना है सो so, आएगा फोर एंड टू सो दैट इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट एग्जांपल जो देख रहे हैं अपन दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट ठीक है ना दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट तो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट ये है कि जैसे अभी तक अपन ने सब्सटीट्यून देखे सिंपल सब्सटीट्यून थे मिथिल इथिल है ना इस तरह के सिंपल वाले सब्सटीट्यूंट्स थे अब ये देखो सब्सिट्यूट दिस इज द अब्सटीट्यूंट यहाँ पे वी नो दिस इज अवर प्रिंसिपल चेन ये अपना प्रिंसिपल चेन है और उसके ऊपर ब्रांच है बट ये जो ब्रांच है दैट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यून उसके ऊपर एक ब्रांच ये है एंड ऑन दैट ब्रांच देर इज अनदर ब्रांच इज इट सो इट्स नॉट अ सिंपल सब्सटीट्यूंट इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट क्योंकि ये सब्सटीट्यूंट के ऊपर सब्सटीट्यूंट है है ना ब्लू के ऊपर पिंक लाइन है पिंक के ऊपर ऑरेंज लाइन है तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटिट्यूंट वाला सिचुएशन हो जाता है समझ में आया ना तो इस तरह के एग्जाम्पल को किस तरह से नाम दें यह आप बता देता हूँ मैं तुमको पहले ठीक है ना ये समझ में आ गया कि वाई वी आर कॉलिंग दिस अ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट ओके इट इज़ अ सब्सटीट्यूटेड सब्सटीट्यूएंट मतलब ये जो सब्सटीट्यूंट है उसके ऊपर ऑलरेडी सब्सिट्यूएंट्स है सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट तो सबसे पहले देखो रूल्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने ओके okay? ये तुम जब नोट देखोगे तो उसमें से पढ़ लेना बट uh, हम करते क्या है कि जो भी कार्बन अटैच है प्रिंसिपल चेन को बिकॉज दिस इज आवर प्रिंसिपल चेन और उस प्रिंसिपल चेन को सब्सटीट्यूएंट का जो भी कार्बन अटैच्ड है उसको ओपन देते हैं नंबर वन क्योंकि यहाँ पे देखो नंबर यहाँ पे तो है ही है इज इट सबसे पहले तुम प्रिंसिपल को भी अपना ये कर दो ओके सो आई थिंक दोनों साइड से सेम नंबरिंग आता है या सो शीडेंट मैटर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये हो गया नंबरिंग फॉर प्रिंसिपल चेन अब नंबर फाइव पे ये जो कार्बन अटैच्ड है उसको अपन दे रहे कार्बन नंबर वन फिर से ओके okay? वन टू थ्री बुक में देखोगे तो वन प्राइम टू प्राइम थ्री प्राइम इस तरह से दिया रहता है टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द मेन नंबरिंग मैं कलर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है सो so ये नंबरिंग हो गई अब यहाँ पे अपने को दिखता है कि एक के ऊपर मिथिल ग्रुप है दो के ऊपर मिथिल ग्रुप है सबसे पहले क्या करेंगे ये जो सब्सटिट्यूंट है इस सब्सटिट्यूएंट को अपन नाम देंगे ठीक है तो इसको हम नाम देते हैं बिना देखे नाम देंगे अपन ठीक है सो विल गो बैक टू दिस वन तो ये जो सब्सटीट्यूएंट है सबसे पहले इसको नाम देंगे राइट सो right. so ये जो सब्सटीट्यूएंट है इसमें ये कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर थ्री इसी को नाम देंगे अपन सबसे पहले ठीक है सो वन के ऊपर देर इज अ मिथिल ग्रुप टू के ऊपर देर इज अ मिथिल ग्रुप ओके सो वी राइट दिस एज वन टू डायमिथिल ओके डायमिथिल और ये जो चेन है ये तीन कार्बन की चेन है एजेंटेड वन टू डायमिथिल और उसके ऊपर ये तीन कार्बन की चेन के ऊपर ये दो मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है तो तीन कार्बन की चेन हो जाती है प्रॉपिन एजेंटेड प्रॉप ये रूट हो गया लेकिन देखो यहाँ पे दिस इट्सैल्फ इज अ सब्सटीट्यूंट है ना ये जो है दैट इज अ सब्सटीट्यूंट तो अपने को लिखना पड़ेगा प्रोपिल सब्सटीट्यूएंट को अपन इल लिखते हैं रिमेंबर इथिल मिथिल प्रोपिल तो ये हो गया प्रोपिल तो ये प्रॉपिल सब्सटीट्यूएंट है जिसके ऊपर दो मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है ओके अब ये कौन से कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है नंबर so, फाइव के ऊपर सो ये हो जाएगा जा फाइव क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट रहने की वजह से पूरा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ये हो जाएगा वन टू डाई मिथिल प्रोपिल और उसके बाद इसका रूट कहता है नाइन कार्बन है ना इसमें तो ये हो जाएगा नॉन एन दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड समझ में आया क्या तो ये इस तरह का सिचुएशन है मान लो कि यह प्रिंसिपल चेन है और उसके ऊपर ये, ये 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 इथ ग्रुप लगा हुआ है है ना तो प्रिंसिपल चेन का इसका रूट हो जाएगा हेक्स ठीक है लेकिन इसका नाम क्या है इसमें कितने कार्बन है दो तो ये हो जाएगा एथ एथ यह रूट हो गया इस चेन का लेकिन यह सब्सटीट्यूंट है ऑन दैट प्रिंसिपल चेन इसलिए एथल कौन से कार्बन के ऊपर है ये तीन के ऊपर है ना इथिल थर्ड कार्बन पे है इसलिए थ्री इथिल हो गया और फिर इसका सफिक्स ठीक है सफिक्स क्या आएगा इसका या प्रिंसिपल चेन क्या है इसका हेक्सेन ठीक है ना तो ये इसका नाम हो गया तो यही सिस्टम हम यहाँ पे लगा रहे हैं ठीक है ना तो जैसे ये जो सब्सटीट्यूंट है इसको पहले नाम दे दो लेकिन एज अ सब्सटिट्यूंट करके तो यहाँ पे देखो वन मिथिल टू मिथिल तो ये हो जाएगा वन टू डाई मिथिल ओके और दैट इज प्रेजेंट ऑन थ्री कार्बन चेन प्रॉप ओके एंड दैट इज सेल्फ इज अब्स्यूएंट इसलिए इल जैसे यहाँ पे अपन ने इथिल किया वैसे यहाँ पे प्रॉपिल किया और ये कौन से कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है फाइव ओके फिफ्थ एंड देन नॉन इन जनरली अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट वाले जो एग्जाम्पल रहते हैं उसमें जो प्रिंसिपल चेन रहती काफ़ी लंबी रहती ठीक है ना तो ये तुमको चूज़ करना पड़ता है इट्स ऑफ्ट डिफिकल्ट टू एक्चुअली ड्रॉ द स्ट्रक्चर इट तो ये थोड़ा सा तुम्हारा काउंटिंग जो है नंबर काउंटिंग दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट या ध्यान में रखना क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देंगे अगर कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूट वाला एग्जाम्पल आया तो आ, इसको उसी की तरह से फिर से ड्रॉ करने में हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए सो so, और फिर आंसर आएगा गलत सो दैट इज़ द प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा ध्यान दे के वही के वही तुम अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो नेक्स्ट अगर मान लो एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटिट्यूंट है मोर देन वन कॉम्प्लेक्स सब्सटिट्यूंट है तो नंबरिंग ऑफ द प्रिंसिपल कार्बन इज़ डन एज यूजुअल जो अपने प्रिंसिपल चेन है उसके जैसे नंबर आते हैं वैसे ही ओके okay? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटिट्यूंट्स है वो या तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर करो या फिर जैसे जिसको पहले नंबर आता है वो मतलब जो रूल्स अपने हैं वही फॉलो करना है यूजुअल रूल्स फॉलो करना है टू नंबर द प्रिंसिपल चेन अगर पहले आ रहा है कोई सब्सटिट्यूंट तो उसको प्रेफरेंस दे के उसको लोएस्ट नंबर आना चाहिए अगर सेम पोजीशन पे आ रहा है तो अल्फ़ाबेटिकली जो नाम आता है उस हिसाब से समझ में आ रहा है ना तो अल्फाबेटिकली जब भी लिखते हैं अब तक फर्स्ट लेटर ऑफ प्राइमरी अल्किल सब्सटिट्यूंट लिखना है ओके okay? जो प्राइमरी अल्किल सब्सटिट्यूंट रहेगा उसका अल्फ़ाबेटिकली जो भी नाम आता है पहले वही लिखना है आप देखो तो so, एग्ज़ाम्पल देखो तो यहाँ पे दिस इज अवर प्रिंसिपल चेन ओके इसमें बारह कार्बन है इस प्रिंसिपल चेन में तो इसका रूट हो जाएगा डोडेक ओके okay? और ये हो जाएगा डोडिकेन ठीक है ना बारह कार्बन की चेन है इट्स अ डोडिकेन और right. अब दो सब्सटीट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट हैं दिज आर बेसिकली सेम ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है ओके okay? इसको मैं ऑरेंज में सर्कल दैट इज अ सिंपल सब्सटीट्यूएंट दैट इज एथल ठीक है ये जो ब्लू में दिख रहे तुमको दीज आर कॉम्प्लेक्स सब्स लेकिन ये आइडेंटिकल भी है ओके okay? जरूरी नहीं था कि आइडेंटिकल रहे बट इन दिस केस दे आर कमिंग आउट टू बी सेम राइट तो अगर सेम होते हैं रिपीट हो रहे कॉम्प्लेक्स सब्सटिट्यून तो इस केस में बिस ट्रिस टेट्राकिस ये अपने को टर्म्स यहाँ पे अपन डाई ट्राई यूज़ नहीं कर सकते क्यों क्योंकि डाई ट्राई ऑलरेडी इसमें आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट में कि जैसे यहाँ पे अपने को डाई लिखना पड़ता है ना इसके पहले वाला एग्ज़ाम्पल देखो ठीक है ना इसके पहले वाला ये एग्जाम्पल देखो डाई आ गया डाई आ गया ब्रैकेट के अंदर तो अगर ये रिपीट हो रहा है सेम सब्सटिट्यूंट डबल हो गया मतलब यहाँ पे ऐसा है सी एच यही यही मैं ऊपर रिपीट कर रहा हूँ हाइड्रोजन निकाल दिया यहाँ से ठीक है वन या हाइड्रोजन निकाल दिया और यहाँ से मैंने बोल रही है कि सी एच है सी थ्री फिर सी एच सी एस थ्री एंड सी थ्री सो सेम सब्सटीट्यूट अब दो बार हो गए कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूट अगर दो बार हो गए तो अब क्या करूँ मैं है? है ना तो इसमें डाई लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे फाइव फाइव ऐसा लिखना पड़ेगा फिर मेरे को ये नाम क्या हो जाएगी फिर फाइव फाइव अगर डाई लिखता हो तो मेरे को ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में वन टू डाय फिर से डाय मिथल प्रोपिल और फिर बाकी का नाम कंटिन्यू रहेगा लेकिन देखो डाय दो बार आ रहा है ओके फाइव फाइव डाय वन टू डाई अगर सुनने में देखा जाए तो दिस डज नॉट लुक गुड इजेंट इट डाय डाय सुनाई देगा मेरे को वोट प्रॉब्लम मेक सेंस ओके मोस्ट लाइकली डजेंट मेक सेंस देन क्योंकि एक इस तरह का मतलब साउंड अगर रिपीट होता है तो वी जस्ट गेट फोकस्ड ऑन दैट और हमारा जो ये है वो सो क्लियर डिस्टिंक्शन चाहिए अपने को कि कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट रिपीट हो रहा है सो वी डोंट यूज दाई वी यूज बिस विच इज मच मोर साइलेंट वर्ड ओके सो फाइव फाइव बिस ऐसा लिखना पड़ेगा समझ में आया ना बिस और ये रिपीट हो रहा है फिर बिस फिर ब्रैकेट में जो भी आ रहा है वन टू डायमेथिल बिस हो गया ये ओके ये रिपीट हो रहा है दो बार एंड देन नॉन एन इस तरह से अपन इसको ये करते हैं ओके सो आइडिया ये है कि व्हेन द कॉम्प्लेक्स अब्सटिट्यूएंट्स अकर मल्टीपल टाइम्स वी यूज बिस ट्रिस टेट्राकिस इससे ज्यादा और पॉसिबिलिटी कुछ नहीं हो सकती क्लियर है जनरली दो या तीन बार रिपीट हो सकता है ओके okay, जनरली दो ही बार रिपीट होता है तो यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है मतलब दो कॉम्प्लेक्स सब्सटिट्यूंट से सेम इसलिए अपना इनके लिए बी यूज़ करना पड़ेगा लेकिन नाम देना पड़ेगा तो सबसे पहले किसी एक को नाम देते हैं उसको तो सिर्फ बीसी लगाना है उसके आगे फिर तो बराबर है तो ये है राइट ये रिपीट हो रहा है और एथिल है और फिर इनको फिर अल्फाबेटिकली अपने को लगाना है समझ में ना कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट आ रहे हैं मल्टीपल सब्सटीट्यूंट है तो जो भी सब्सटीट्यूंट है उनको अल्फ़ाबेटिकली लगाना है बस ओके सो so, यहाँ पे इसको नाम देना है अपने को तो इसको नंबरिंग दे दो वन टू थ्री ठीक है इस यहाँ से इस कार्बन से अपने को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है सो दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन अब यहाँ पे मिथिल सब्सटिट्यूंट्स कौन से है वन ओके वन के ऊपर आ रहा है एक और दो के ऊपर दो है दो मिथिल ग्रुप है सो so, इसको लिख लेंगे अपन ओके okay? दो के ऊपर है ना या yeah? अच्छा इसका जो नाम दिया है दैट इज़ एक्चुअली होल्ड ऑन ये जो रूल यूज़ किया है यहाँ पे दैट इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट रूल ठीक है um, यहाँ पे जो रूल यूज़ किया है दैट इज़ अ डिफरेंट रूल ये मैं तुमको बता देता हूँ तो एक अनदर अल्टरनेटिव रूल है एंड आई एम नॉट सो श्योर कि कौन सा रूल यूज़ करते कब कौन सा रूल यूज़ नहीं करते आई जस्ट फाउंड दैट दिस एग्जाम्पल राइट सो ये uh, मतलब आई डोंट नो वन ऑफ़ द रूल इज़ ओल्ड वन ऑफ द रूल इज़ न्यू ये कहीं बताया नहीं गया है कहीं पे ठीक है इवन इन uh, अपने एन के बुक में कहीं डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है बट दिस इज़ लाइक अ डिफरेंट एग्जाम्पल ठीक है सो so यहाँ पे जो नंबरिंग है अपन जैसे अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं ना वैसे ही यहाँ पर भी अपन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे हैं ओके okay? यहाँ पे अपन ने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट किया है इस तरह से और Then देन वी स्टार्ट नंबरिंग ओके सो this दिस दिस कार्बन गेट्स द लोएस्ट get वन टू थ्री फोर Okay, so that gets the lowest number. अब यह हो गया ब्यूटील वाला ठीक है this is also acceptable, या और इसको अल्टरनेटली कैसे नाम करते हैं वो भी मैं तुमको बता दूंगा ठीक है ये पहले देख लो और फिर अल्टरनेटली कैसा नाम करेंगे अपन इसको वो देख लो दो में से कोई भी सिस्टम यूज किया जा सकता है एंड देर इज नो क्लैरिटी ऑन विच सिस्टम विल बी यूज ठीक है एग्जाम में सो दैट इज लिटल कंफ्यूजिंग एंड अनफेयर बट दैट इज द वे ऑफ द नेचर अभी ठीक है और यहां पे दो मिथिल ग्रुप आ रहे हैं अभी तुम्हारे पास सब्सटीट्यूंट ऑन कार्बन नंबर थ्री तो ये हो जाएगा थ्री थ्री डाई मिथिल ओके अब यहाँ पे ये यह सब्सटीट्यूंट आता है जिसके ऊपर ये अटैच्ड है तो ये हो जाएगा Uh, इसको रूट देना पड़ेगा ब्यूट टू ए दिस इज द कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूट एंड ये, ये प्रेजेंट है ऑन कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव है ना फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सो फाइव के ऊपर है और एट के ऊपर है तो ये हो जाएगा फाइव एट फाइव एट बिस ओके दो बार रिपीट हो रहा है ये इसलिए बिस राइट ये एक सब्सटिट्यूंट हो गया ये सब्सटीट्यूंट हो गया एंड देन वी ऑल्सो हैव इथ बराबर है अब जब अपन कंपेयर करते हैं ओके okay? तो वी हैव टू कंपेयर विथ ब्यूटिल एंड इथल समझ में आए ना ब्यूटिल क्योंकि ये चेन कौन सी है ब्यूटिल की चेन है और ये इथिल की चेन है तो ये कंपेयर कर रहा हूँ तो बी पहले आएगा तो पहले अपन कौन सा लिखेंगे ये वाला तो ये जो बी है ओके प्रिंसिपल चेन का वो भी पहले आ रहा है इसलिए ब्यूटिल पहले लिखेंगे और प्रोपिल बाद में लिखेंगे सॉरी इथिल बाद में लिखेंगे सो इसलिए फिर इसके बाद आएगा फिर जस्ट कंटिन्यू ये ब्रैकेट में हो गया फाइव एट बिस थ्री थ्री डाई मिथिल ब्यूटान टू एल ओके ब्यूट टू एल लिखा इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल ब्यूटान टू ओके सिक्स इथिल डो ठीक है सिक्स इथिल देखो ये उसके बाद लिखा है ओके सो दिस इज़ वन नंबरिंग सिस्टम और जो अपन फॉलो कर रहे इसके पहले वाले जो एग्ज़ाम्पल में अपन ने फॉलो किया था वो मैं तुमको अभी बताता हूँ सो इसमें दिस इज़ एक्चुअली दिस इज़ वॉट आई लाइक अबाउट इट ओके ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को सिम्पलीफाइड लगता है वन टू थ्री और थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल भी लगता है मेरे को ये क्योंकि वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द कार्बन दैट इज़ अटैच टू दैट प्रिंसिपल चेन ओके और यहाँ पे अब तीन सब्सटिट्यूंट है ओके okay, एक मिथिल के ऊपर सॉरी uh, एक मिथिल वन के ऊपर दो मिथिल दो के ऊपर सो ये वन टू टू ट्राई मिथिलइट और उसके बाद देखो चेन अब मेरे को यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे मेरे को नंबर देना पड़ता है कहाँ पे अटैच है ये नंबर देने की मेरे को जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज़ ऑलवेज अटैच एट कार्बन नंबर वन उसी को अपन कार्बन नंबर वन दे रहे हैं ना सो दैट्स वाई ओके सो ये वन ही रहेगा बेसिकली सो so, ये हो गया तीन कार्बन का रूट आ रहा है तो ये हो यह प्रॉप एंड देन प्रॉपिल ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूट और इसको ब्रैकेट में डाल दो ये कौन से कार्ब, कार्बन के ऊपर है फाइव एंड एट बिस है तो ये फाइव एट बिस वन वन टू ट्राई मेथल प्रॉपिल यह हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स अब यहां पे अपना जो चेन आ रहा है रूट वो है प्रॉप और दूसरा आ रहा है फाइव ये सिक्स के ऊपर आ रहा है सिक्स इथल तो इस केस में अपने को सिक्स इथिल पहले लिखना पड़ेगा ओके ये पहले लिखेंगे उसके बाद फॉलोड बाय दैट फाइव एथिल बिस ये सारा एंड देन डोडे के ओके तो इसका पूरा नाम ये रहेगा सिक्स इथल पहले इथल लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉप और ई पी और ई इसमें ई पहले आ रहा है अल्फाबेटिकली इसलिए ओके सिक्स इथल फाइव एट बिस् ओके ब्रैकेट क्लोज वन टू टू ट्राइम इथल ट्रॉपल एंड देन डोडिकिन तुम्हारा रूट बारह कार्बन का ये हो गया तुम्हारा पहला इथल ओके फाइव और एट पे ये प्रजेंट है इसलिए बिस कर दिया है ओके okay? तो सारे सब स्टूडेंट्स आ गए अब सिर्फ रू uh, ये बचता है अपना प्रिंसिपल चेंज विच इज डो डिन क्लियर है क्या दिस इज लिटिल ट्रिकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा ठीक है तो तुमको ये बैठ के यही प्रॉब्लम्स ये नाम लिख लो क्योंकि ये मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा नहीं है ठीक है ये अल्टरनेट नाम जो है वो तुम लिख लो अभी क्योंकि अदरवाइज़ फिर बाद में नहीं मिलेगा उसमें तो वीडियो में मिलेगा लेकिन वीडियो आने में काफ़ी टाइम लगेगा तुमको इसलिए ठीक है तो ये अल्टरनेट नाम है दोनों नाम अप्रूव्ड है बेसिकली दोनों नाम एक्सेप्टेबल है वन इज ओल्ड वन इज सिस्टम आई डोंट नो विच वन इज वॉट ओके कौन सा ओल्ड है कौन सा न्यू है ये मेरे को नहीं मालूम बट uh, दोनों नाम है एक्चुअली क्लियर है क्या सो दॉज अबाउट कॉम्प्लेक्स सब्सटिट्यूट ठीक है उसके कुछ एग्जाम्पल्स तुमको बुक्स में भी मिल गए हैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं होते क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूट में एक चीज़ कॉमन होती है कि जो चेन होती है प्रिंसिपल चेन दैट इज़ वेरी लॉन्ग ओ ओके बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन होती है और इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स प्रैक्टिकली वी डोंट एक्चुअली गेट अलॉट ठीक है ना बहुत ज़्यादा अपने पास ऐसे हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं दिस आर बेसिकली मोस्टली फॉर एकेडमिक परपजेस ठीक है नेक्स्ट थिंग वी को ना मूव ऑन टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स ओके दिस इज़ वेयर वी एक्चुअली गेट इन टू नॉम क्लेचर का जो कोर पोर्शन है कोर पोर्शन में अपन घुसते हैं यहाँ से सो वी गो लुक एट डिफरेंट थिंग्स ओके सबसे पहले सफिक्सेस देख लो ओके सफिक्सेस क्या होते हैं कैसे होते हैं मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली दो तरह के सफिक्सेस होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ठीक है तो प्राइमरी सफिक्स जो है सफिक्स कहाँ लगाते हैं अपन बाद में लगाते हैं नाम के बाद में पहले अपन रूट लेते हैं तो अपना जो टेप जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है पहले अपन लगाते हैं प्रिफिक्स ओके प्रिफिक्स क्या इंडिकेट करता है इट इंडिकेट्स अ सब्सटीट्यूंट कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है मिथिल है इथिल है प्रॉपिल है, है ना इस तरह के सब्सटीट्यूंट या कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट है ऑल दिस आर बेसिकली अ बेसिकलीफिक्स जो पहले आते हैं उसके बाद आता है रूट मतलब रूट के पहले जो भी आएगा रूट के पहले सॉरी मैंने के ब्यूट लिखा इट शुड बी रूट रूट के पहले जो भी आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ प्रिफिक्स या रूट के पहले जो भी आया वो प्रिफिक्स है उसके बाद रूट लिखते हैं अपन उसके बाद अपन प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं और उसके बाद अपन लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स ये अपना फॉर्मेट है आई पैक का दिस इज द फॉर्मेट प्रिफिक्स रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स अपने को इंडिकेट करता है रूट तो अपने को ऑलरेडी मालूम है इट इंडिकेट नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन प्रिंसिपल चेन ठीक है प्राइमरी सफिक्स जो है दैट एक्चुअली इंडिकेट्स कि इसमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है ठीक है सो बेसिकली इट इंडिकेट्स इफ द प्रिंसिपल चेन हैज अ सिंगल और डबल और ट्रिपल बॉन्ड समझ में ये इंडिकेट करता है प्राइमरी और ये भी इंडिकेट करता है कि देर इज मल्टीपल डबल बॉन्ड है मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड है ये भी इंडिकेट करता है प्रिंसिपल चेन इसके अलावा इसका कोई और पर्पज़ नहीं है समझ में डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेट करना इफ दे इफ इट इज प्रेजेंट देन दैट इज बेसिकली योर प्राइमरी सफिक्स ओके सो बेसिकली ये इंडिकेट क्या कर रहा है अपने को अगर देखा जाए तो प्राइमरी सफिक्स ये इंडिकेट करता है इफ द चेन इज सैचूरेटेड और अनसेचूरेटेड समझ में आए ना सेचूरेटेड चेन है या अनसेचूरेटेड चेन है ये इंडिकेट करता है सेकेंडरी सफिक्स जो है सेकेंडरी सफिक्स ये इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप क्या इंडिकेट करता है ये फंक्शनल ग्रुप किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल है अल्डियाड है कार्बोक्सिलिक एसिड है एक है दो है चार है इस तरह से ये इंडिकेट करता है फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया सो दैट इज द नेम फॉर्मेट दैट वी यूज सो सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं यहाँ पे दैट इज योर प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स क्या है ओके okay. सो so जैसे मैंने बताया ये क्या इंडिकेट कर रहा है आइदर इट इंडिकेट इफ इट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड अगर सैचुरेटेड है तो ये होता है अल्केन्स, बराबर है अन है तो ये होता है अल्किस और अल्काइन तो इसको ऐसा लिखते हैं अपन ठीक है ठीक है और यही भी तुमको सफिक्सेस मिल रहे हैं बेसिकली ओके देखो सेचूरेटेड है सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स होता है इन जेंद्रिक नेम अपन क्या दे रहे अल्केन ये है तुम्हारा सफिक्स ये दिस इज बेसिकली अ प्राइमरी सफिक्स ठीक है अगर अनसेड है डबल बॉन्ड है ठीक है ना तो सफिक्स होता है इन जेनरिक नेम क्या दे अपन इन दैट इज योर सफिक्स ठीक है ट्रिपल बॉन्ड है ओके ट्रिपल बॉन्ड है अनसेड ट्रिपल बॉन्ड है सफिक्स रहेगा आइन जेनरिक नेम क्या दे रहे इसको अलकाइन आइन इज योर सफिक्स तो समझ में आया क्या दीज आर दफिक्सेस एन इन आइन ये अपना तो सफिक्सेस जो है ये तीन में से एक ही रहेगा ठीक है सफिक्सेस या तो इन रहेगा या तो इन रहेगा या तो आइन रहेगा इन में से और कोई हो ही नहीं सकता सफिक्सेस अंडरस्टूड है आ, ये थोड़ा सा बाजू में रखो अभी फिलहाल उसको आते अगर मान लो दो डबल बॉन्ड है ओके तो डाय दो डबल बॉन्ड है इन है तो उसके आगे डाई लिखना पड़ेगा अपने को तो ये हो जाएगा इन इसको जनरल नाम देते हैं अपन डाइन ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया मैंने ठीक है अच्छा इसको थोड़ा अलग से ड्रा करते हैं बस पूरा पूरा ड्रा करते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सॉरी सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ठीक है CH, CH2, sorry, दो डबल बॉन्ड है तो ये देखो इसका रूट कितने कार्बन का है चार कार्बन का ये हो जाएगा ब्यूट ओके okay? ब्यूट और उसके बाद यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है है ना प्राइमरी सफिक्स क्या होता है डबल बॉन्ड का इन लेकिन दो डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे अपन डाइन ओके तो यहाँ पे लिखना पड़ता है अपने को अब नंबरिंग देना पड़ेगा ना वन टू थ्री फोर वन और थ्री के ऊपर वन और थ्री के ऊपर डबल बॉन्ड है सो वन थ्री डाईन ठीक है अब यहाँ पे हमको एक वॉवल चाहिए लेकिन वॉवल नहीं आ रहा है देखो यहाँ पे डी आ रहा है ओके डी के आगे वॉवल चाहिए इसलिए ए लिखते हो दिस इज बेसिकली टू गिव यू एन वॉवल ओके आई डोंट नो वा इट इज़ बिन डन आई थिंक इट्स हमको भी आदत गिर चुकी है बोलने की शायद से नेचुरल है इसलिए uh, हो सकता है ओके जस्ट दू नो द वे वी से द नेम्स तो ये ब्यूटा डाइन समझ में आया ना सो so, ये हो जाता है ब्यूटा डाइन ओके सो वन थ्री ब्यूटा डाइन समझ में आ गया दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड सो इस तरह से अपन नाम देते हैं ओके okay? अगर आ, तीन डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा ट्राइन अल्का ट्राइन अगेन यू कैन सी ए एड किया गया है दैट इज द वॉवेल वी एड बेसिकली सो दैट इट इज ईजियर टू से ओके अदरवाइज क्या हो जाए अल्क ट्राइन हो जाएगा ना अच्छा नहीं लगता अल्क डाइन भी अच्छा नहीं लगता अल्का डाइन अल्किडाइन या अल्केट्राइन थोड़ा सा आ, फ्लो में बोला जाता है इस तरह से इसलिए ओके okay? um, अगर बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो इट बिकम्स पॉलीन ठीक है बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड है पॉलीन जैसे फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीप्रोपीन होता है पॉलीप्रोपीन या पॉली पॉलीथीन जो अपन यूज़ करते हैं इट इज़ अ पॉलीमर इजेंटेड दैट इज बेसिकली पॉलीन इसमें डबल बॉन्ड है ठीक है um, दो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाइन देखो यहाँ पे यहाँ पे मान लो दो के जगह तीन ट्रिपल बॉन्ड अगर अपन करते हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटा वन थ्री ट्राइन सॉरी डाइन ओके और प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जो जो प्रोनाउंसिएशन है डाइन और डाइन ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही है ओके डाइन डाइन ओके तो यहाँ पे ई e के ऊपर एम्फोसाइज करना पड़ता है यहाँ पे वाई के ऊपर एम्फोसाइज करना पड़ता है बट नो मैटर हाउ यू ट्राई इनका प्रोनाउंसिएशन सेम ही निकलता है ओके देन ट्रिपल बॉन्ड इज गोइंग टू ट्राई इन ना अगर मान लो ये ये वाले पोजिशन देख लो बेसिकली ये वाला ये पोर्शन ठीक है सो so ये तो अपने को समझ में आ गया भाई सेचूरेटेड है तो एन लगाएंगे ठीक है ना अनसेचूरेटेड है तो इन या आइन अगर डबल बॉन्ड है तो इन ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन अगर मल्टीपल हो रहा है रिपीट हो रहा है तो डाइन ट्राइन टाइन इस तरह से अपन लगा रहे हैं ठीक है वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लेकिन अगर मान लो अल्केन लेते अपन जैसे कोई अल्केन ले लिया माइनस हाइड्रोजन कर दिया जैसे सी एच थ्री सी एच थ्री इथे नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये हो जाएगा इथे है ना हाइड्रोजन कम कर दिया तो इथ उसी तरह से अगर ट्रिपल डबल बॉन्ड ले रहे अपन है ना और एक हाइड्रोजन में कम कर देता हूं तो ये सब्स दिस बिकम्स अब्सटिट्यूंट और ये ध्यान में रखो इस सब्सटीट्यूंट को अपन आ, इनील बोलेंगे क्या बोलेंगे देखो यहाँ पे इल लगाया तो यहाँ पे यहाँ पे इन इल ओके okay? हो जाएगा अभी इसमें कितने कार्बन है दो तो दो का रूट क्या होता है एथ एथिनिल समझ में अगर तीन कार्बन है और एक कार्बन एक हाइड्रोजन लेस आ रहा है उसमें इट बिकम्स प्रोपेनल ओके इथेनल प्रोपेनल ब्यूटेनल पेंटेनिल ये चलते रहेगा जैसे इथिल प्रोपेल ब्यूटिल चलता है ना उसी तरह से इथेनिल प्रोपेनल ब्यूटेनिल क्लियर है क्या ये चलते रहेगा एक हाइड्रोजन बिकॉज दिस इज दीज आर यूज एज अ सब्सटीट्यूट तो ये हो जाता है इथेनल और राइट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड या ये बहुत ज़्यादा क्योंकि बाकी चीज़ें ध्यान में रहती है ये अपन ध्यान में नहीं रखते इसको भूल जाते हैं ओके okay? तो ये तुम ध्यान में रखो ओके डबल बॉन्ड एज अ सब्सटीडेंट आ रहा है तो इसको अपन बोलते हैं इतना कब आता है कैसे आता है अपन आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में आते हैं अलग अलग और राइट right. उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड है ओके okay? जैसे मान लो कि ये ले रहे अपन ट्रिपल बोल ये होता है प्रोपाइन है ना ये प्रोपाइन हो गया अब इसमें एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया तो इसको अपन क्या बोलेंगे फिर ये रूट तो है प्रोप ओके आइन प्रोपाइन तो अपने को क्या करना है इनिल करना है प्रोपाइन प्रोपाइन प्रोपाइन, प्रोपाइन इल। इल लगाना है ई लगा ई निकाल के प्रोपाइनिल ओके okay? तो uh, so ये देखो अल्काइनिल ओके okay? अल्काइनिल ये जनरल नाम हो गया uh, इसका कंपाउंड रहेगा प्रोपाइनिल तो इथाइनिल प्रोपाइनिल ब्यूटाइनिल ये चलेगा ओके दीज आर देन यूज एज अ अब्सटिट्यूट तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है uh, इत, इनिल वाला ओके okay? और ये भी इनिल ही है ध्यान में रखना वाई एन वाई एन एल बेसिकली बेसिकलीज ऑल्सो प्रोनाउंस एज इनिल बट uh, थोड़ा सा वाई के ऊपर एम्फासाइज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्लियर है क्या सो so, तुम्हारे जो मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस है वो कौन से एन इन आइन ये सबसे कॉमन प्रीफिक्सेस कभी कभी रिपीट होते हैं तो फिर डाइन है ना uh, या फिर इस तरह से एट्राइन ये होंगे और दीज आर बेसिकली यूज एज ए सब्सटीट्यूंट ओके अल्कील इनियो इनियो तो ये क्या हो गया सब्सटीट्यून करके अपन इसको यूज़ कर रहे हैं सो सेकेंड्री सफिक्स डिस्कस करने लायक अपने पास टाइम नहीं है अभी ठीक है तो वो गोना स्टॉप ह्ययर एंड विल कंटिन्यू विथ सेकेंड्री सफिक्सेस इन द नेक्स्ट क्लास राइट थैंक यू वेरी मच ब बाय